वेलकम बैक नाजिन। शफकत साहब, जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद और वो कह रहे हैं कि कानून के तहत नहीं, प्रैक्टिस कानून नहीं। जरदारी साहब 1990 से इस वक्त इतने को मुकदमात भुगत चुके हैं कि वो माहिर मुकदमात हो गए हैं, वो एक माहिर मुल्ज़म हो गए हैं। इसलिए ये ऐसे नहीं हो जाता कि कोई जी आज नहीं आ सके ना, उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड है। तो आपका ख्याल है कि सोच समझ के किया गया होगा? सोच समझ के बिल्कुल, ताकि किसी दिन वकील को गायब कर दो, किसी दिन खुद बीमार हो जाओ, ये सारे टैक्टिक्स हैं। इसलिए तो अभी तक इतनी माशाल्लाह इल्ज़ाम के बावजूद अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई, क्योंकि तो उनको पता है कि इस गोरख धंधे को चलाना कैसे है। मौका दीजिए खत्म न करने। जी जी कार्य सर, ये गुजारिश यह है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक कानून है, आप सुप्रीम कोर्ट से चेक करा लें। अगर फारूक नायक साहब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे में पेश थे, जो उनके वकील है, मेरा ख्याल है लतीफ खोसा साहब ऐसे थे, जो भी वकील थे, मुझे पता नहीं है, जो भी वकील थे, अगर वो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो शफकत साहब की बात कहां खड़ी होती है। रही बात शफकत साहब इस खत्ते में ना भी इस तारीख में, मैंने पहले भी गुजारिश की, मैं आपका बात विरोध करता हूँ, मैं आपसे तल्ख बातें कर रहा हूँ, चीखों किसी को बुला के भेजे, मैं उनको बताऊं उनका लीडर क्या है, उसकी अपनी तारीख क्या है, किसका इखलाकी और मॉरल वैल्यू क्या है, प्लीज क्यों बातें मुझे हमसे ये सुनना चाहते हैं जब नहीं करना चाहते। बात यह है कि मुकदमे चलाए, मैं कह रहा हूँ ना, आपने हिम्मत करें, हुकूमत में रेड वारंट जारी करें ना, जिससे हिम्मत करें उसको बुलाएं। जरूर कारा साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब खोसा साहब ये फैसला करते हैं, रूल है काशिफ, एक मिनट काशिफ, मेरा वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम क्लोज करना है। नाजिन माफी चाहता हूँ, जावेद लतीफ साहब आपसे इस पे व्यू नहीं ले सका, इजाजत दीजिए।